रहे थे महाराज, अब सारी व्यवस्थाएं ठीक चल रही है, हम दोनों पूर्व जिलों को हम हरिद्वार लेके जाए। महाराज जी को स्वास्थ्य देंगे। महाराज जी को कल भी मुझे आचार्य माखी जी महाराज जी बात कर रहे थे कल परसों, तो अभी महाराज जी को जितना भी उपचार है वो तो चल ही रहा है, आयुर्वेद की औषधियां भी चल रही है, और एक एक घंटा महाराज जी प्राणायाम भी कर रहे हैं। तो हम सबकी ये भगवान के चरणों में प्रार्थना है कि उत्तराधिकारी तो नियुक्त कर ही दिया है, महाराज जी का भी सानिध्य हमको ऐसे लगातार मिलता रहेगा, ऐसे हम प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। और ये महापुरुषों की भूमि है, महाराज जी हमारे बीच में रहेंगे और इनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। और रही बात बालक नाथ, तो ये ऐसे तो बहुत होनहार सन्यासी है, योगी है, लेकिन अभी थोड़ा भावुक होना एक व्यक्ति की जो मनस्थिति होती है, अंदर की श्रद्धा भक्ति भाव होता है, इसमें स्वाभाविक है। लेकिन अपने हौसले के साथ सब महापुरुषों ने इतना आशीर्वाद दिया है, ये अपने योगियों की ऋषियों की परंपरा को ऐसे ही गौरव के साथ आगे बढ़ाएंगे। और मैंने महाराज जी से कहा है कि इनको 2-3 साल हम अपने पास में रखेंगे, इनको वेद शास्त्रों की भी थोड़ी शिक्षा दे दी, जो हमारी नाथ परंपरा की शिक्षा दीक्षा तो महाराज जी ने दे ही दी है, तो ऐसे ही हमारी ऋषियों की पावनी परंपरा रही। और इसमें ये जो संकल्प होता है, अभी एक भाई मेरे बगल में बैठे तो कुछ बच्चे कौतूहल बस आए हैं कि ये गृहस्थों के यहाँ तो जो परंपराएं होती है शादी विवाह और उत्तराधिकारी आदि की, वो तो हमने देखे, बोले ये कैसी परंपरा, इसको भी आज हमें आकर के देखना। तो इस परंपरा में ये एक संकल्प होता है, और वो संकल्प पूज्य बाबा बस्तनाथ जी को सब योगियों ऋषियों मुनियों को साक्षी मान करके इस बालक ने यहाँ सब महापुरुषों के बीच में वहां पर लिया था। तो मैं उसके 2-4 शब्द यहाँ पढ़ने के लिए मैंने कहा भाई एक सभा पत्र मेरे को दो, जरा संकल्प पत्र कि यहाँ पर ये स्थल और महंत होने का उत्तराधिकारी होने का जो संप्रदाय की मर्यादा और जो संप्रदाय की परंपराएं में उसका अनुसरण करूंगा, आज के बाद मेरा अपना कोई निजी जीवन नहीं होगा, ना ही कोई निजी संपत्ति होगी। दुनिया में उत्तराधिकारी बनता है संपत्ति के लिए, और यहाँ एक साधु जब उत्तराधिकारी बन रहा है तो संकल्प ले रहा है। लोग कहते हैं मेरी प्राइवेट लाइफ अलग है, मेरी सोशल लाइफ पॉलिटिकल लाइफ अलग है, यहाँ बोल रहे हैं कि आज के बाद मेरा कोई निजी जीवन नहीं होगा, मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होगी, वाइफ तो यहाँ पहले नहीं होती, आज के बाद मेरा थोड़ा मजाक स्वभाव है, आज के बाद मेरा कोई निजी जीवन नहीं होगा, ना ही कोई निजी संपत्ति होगी, मैं आज से तन मन धन से बाबा मस्तनाथ जी के चरणों में अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित करता हूं। मेरा आचरण तथा चरित्र नाथ संप्रदाय की परंपराओं तथा नियमों के अनुरूप है। हमारे नाथ संप्रदाय के महापुरुषों ने बहुत ऊंची आदर्श आध्यात्मिक परंपराएं नाथ संप्रदाय की स्थापित की हैं, जिसमें हठ योग है, राजयोग है, अलग अलग प्रकार की समाधि की परंपराएं हैं, ध्यान की परंपराएं हैं, योग की परंपराएं हैं, उनका अनुसरण करते हुए पूर्ण पवित्रता संयम नियम से जीवन को जीना, इस परंपरा के अनुरूप मेरा जीवन रहेगा। मैं व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किसी के साथ संप्रदाय की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूंगा, मैं गद्दी द्वारा स्थापित सभी स्थान मंदिर एवं संस्थानों की उन्नति के लिए सदैव तत्पर एवं प्रयासरत रहूंगा, पुरुषार्थ करूंगा। तो ये है नाथ संप्रदाय की परंपरा का, ये बालक जो है बालक नाथ का एक संकट, और इनसे भी 2-2.5 वर्ष की कम उम्र में महाराज श्री ने इस गद्दी को इस परंपरा को संभाला था, और आज पूरे नाथ संप्रदाय का गौरव के रूप में पूरे हमारी सन्यासी योगियों की परंपरा के गौरव के रूप में महाराज श्री ने बहुत बड़ा जैसे प्रसाद किया है। तो आज हम सब जितने भी यहाँ पर योगी सन्यासी महापुरुष यहाँ पर आए हैं, मुझे महाराज श्री के
इस संकल्प को अपना समर्थन देने के लिए और हमारे महापुरुषों की जो परंपरा रही है कि इस गद्दी पर जो बैठा वो पूज्य मस्तानाथ जी महाराज जी का प्रतिनिधि मूलतः तो हम सब भगवान के ही प्रतिनिधि हैं। गुरु गोरखनाथ गुरु मत्स्येंद्रनाथ आदि जो हमारे सिद्धों की योगियों की महापुरुषों की परंपरा रही है वो सिख के प्रतिनिधि हैं। और गुरु परंपरा में इस मठ पर जो भी बैठा वो पूज्य बाबा मस्तानाथ जी का गुरु, चाहे वो पूज्य महाराज जी सारनाथ जी हों, चाहे वो पूज्य बालकनाथ जी महाराज जी हों। अब ये बालकनाथ जी चाहे कम उम्र के हैं लेकिन आज से ये हमारे